फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, दिन है फ्राइडे सैटरडे का, और सुबह सुबह मैं बना रही हूँ सैंडविच। तो सारी वेजिटेबल्स जो है मैंने कट कर ली है और ब्रेड पे लगा दी है ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी की रेसिपी कई बार शेयर कर चुके हूँ, बहुत सिंपल होती है। और आज बना रही हूँ बॉम्बे मसाला सैंडविच। तो बॉम्बे मसाला सैंडविच में क्या होता है, इसमें जो मैंने देखा है कि इसमें आलू अलग होते हैं, बाकी तो हम लोग भी ऐसे ही बनाते हैं, बट आलू इसमें अलग होते हैं। तो मैंने पहली बार इस तरह से बनाया। आलू का मसाला बना के भी आप बना सकते हो सैंडविच, और इस तरह से कट करके भी बना सकते हो, और बहुत ही यम्मी बना था, बहुत ही यम्मी। तो पहले ग्रीन चटनी लगा ली ब्रेड पे, फिर एक आलू की लेयर लगा दी उस पर, उसके ऊपर मसाला डाल दिया है, उसके ऊपर खीरे की पूरी एक लेयर हो गई, उस पर भी मसाला डाल दिया, फिर टमाटो की और लेयर कर लेंगे, और फिर देन हम करेंगे अनियन की लेयर। तो इस तरह से लेयरिंग करनी है, और हर लेयर पर आपको जो है अपना मसाला है, चाट मसाला इसके अंदर मिक्स है, चाट मसाला, जीरा पाउडर और नमक इसके अंदर मिक्स है, तो वो वाला मसाला है। और ऊपर से लगाती है दूसरी ब्रेड, और साइड बाय साइड बन रही है हमारी चाय। तो सैटरडे संडे को जब भी आपका मन करे ना, ये वाला एक बार बना के देखिएगा। मतलब इतना यम्मी बना था ना, मैंने सोचा नहीं था कि इतना यम्मी बनेगा ये सैंडविच। और मैंने है ना हाफ और बना करके खाया, मतलब एक ब्रेड का सैंडविच ऐसे दो पीसेस और मैंने खाए, तो बहुत ही यम्मी था। और ग्रीन चटनी के साथ तो ना मज़ा आ जाता है। तो अगर कुछ नहीं बनाने का मन है या कुछ नया ट्राई करने का मन है, तो इसको बॉम्बे मसाला सैंडविच को ट्राई कीजिएगा। और ये मैंने ना यूट्यूब पे ही देखा था, लेकिन इसके बहुत सारे वेरिएशन, लेकिन ये वाला मुझे बिल्कुल सिंपल और ईजी लगा, और सच में बहुत ही यम्मी था। उसके बाद हम लोग गए थे भाग भाग के पीटीएम में। नीरव की पीटीएम थी आज, तो क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो पीटीएम था। और नीरव का रिज़ल्ट था वो काफ़ी अच्छा आया, एक एग्ज़ाम में उसका बहुत ही गंदा रिज़ल्ट था, तो स्पेशली उन मैम से मिलना था, और वो मिल भी नहीं पाए हम उन मैम से, बाकी सबसे मिल लिए थे। तो काफ़ी अच्छे टीचर हैं, काफ़ी बहुत अच्छे से मतलब बताते हैं कैसे क्या करना चाहिए। तो हम ऑलमोस्ट दो तीन टीचर से मिले थे, जिसकी हमें जैसे नीड थी क्लास टीचर से, और एक FMM इनका नया सब्जेक्ट लगा है इसी साल से, उनसे मिले थे। और SST का बहुत बेकार रिजल्ट था, तो उन वाली मैम से तो मिल ही नहीं पाए, नेक्स्ट टाइम देखते हैं इसका। और परी को जब भी आते हैं पीटी में, तो नीरव के स्कूल में यहाँ पे इसको झूला जरूर झूलना होता है, तो ये यहाँ पे झूला झूल रहे हैं। और हमारा ये होता है कि जब हम पीटीएम में आते हैं, तो नीरव का स्कूल और जो डॉक्टर हैं परी के, वो बिल्कुल पास में ही है, तो हम वहाँ पे अपॉइंटमेंट उस तरह से लेके आते हैं कि परी की वैक्सीन ड्यू होती है उस टाइम पे आसपास में। तो बस इसके बाद सीधा जो हम निकल के स्कूल से और जाएंगे वैक्सीन के लिए। और वैक्सीन का ड्रामा तो मैंने आप लोगों को दिखाए थे ना, पर कितने ड्रामे करती हैं। और उसके बाद फिर मैं वीडियो शूट करना ही भूल गई, बस ये था कि हम वैक्सीन लगवा करके और फिर घर आ गए थे। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे परी का हेयर केयर, तो देखो अभी परी का कुछ मैं ऐसा है ना ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, उसके बीच में बाल काफ़ी रफ़ हो गए थे। तो मैं परी का क्या करती हूँ, जब भी उसको मतलब शैम्पू करती हूँ ना, ऑल्टरनेट डेज पे करती हूँ, तो उससे पहले मैं उसको ऑयलिंग कर देती हूँ, और यही सेम चीज़ मैं अपने बालों पे भी अप्लाई करती हूँ। तो जब भी आप शैम्पू करें, तो उससे पहले ऑयलिंग कर दो। और ऑयलिंग ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑयल नहीं है परी के लिए कि जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ, जैसे आज मैं इसकी डाबर वाले से ही कर रही हूँ, फिर या कोकोनट या जो आलमंड ऑयल होता है उनको मिला करके, कोई भी एक दो जो ऑयल्स है ना उनको मिला करके। और लेकिन हाँ ये होता है कि 100% जो ऑयल जो क्या कहते हैं उनको होते हैं ना, उन्हीं को कोल्ड कंप्रेस जो ऑयल होते हैं उनका ही यूज़ करती हूँ मैं, कोई मतलब ऐसे वाला नहीं यूज़ करती हूँ। तो उनमें से एक दो को मिक्स करके, और फिर उससे बहुत ही अच्छे से इसके ऑयलिंग करके 5-7 मिनट अच्छे से मसाज करती हूँ, और फिर इसके बालों को जो है मैं ऐसे बांध देती हूँ, और अराउंड 1.5-2 घंटा रख के, और फिर मैं इसका शैम्पू करती हूँ। तो बाल अगर रफ़ होते हैं तो ऑयलिंग करने से ना काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। बाकी कोई भी पैक वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ, वैसे भी मैं सोच रही थी मैं इसका ना जो पैक वगैरह है वो लगाना शुरू कर दूँ, कभी मतलब करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट ये बहुत नखरे वाली है, इसका मतलब ऑयलिंग तो करवा लेती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पैक लगाएगी। एक बार इसकी मामी ने ही इसको लगाया था, तो आगे क्लिप लगा देती हूँ और पीछे चोटी बना करके इसको छोड़ देती हूँ, और 1.5-2 घंटे के बाद जो है मैं इसको शैम्पू से इसका जो है वॉश कर देती हूँ। तो इससे बाल है ना बहुत अच्छे रहते हैं। और जैसे अभी सर्दियाँ आ जाएंगी, तो ऑयलिंग करके और थोड़ी सी जो है ना मैं स्टीम भी दे देती हूँ, तो उससे बाल बहुत अच्छे होते हैं। और एक और चीज़ करती हूँ, जैसे शैम्पू करके और फिर जो कंडीशनर होता है ना वो लगा करके, और 10-15 मिनट के लिए उसको भी छोड़ देती हूँ कभी कभार, महीने दो महीने में, तो उससे भी बाल ना बहुत अच्छे होते हैं। और इसके शैम्पू के लिए जो है मैं मम्मा अर्थ का ये
कोको सॉफ्ट शैम्पू जो बेबीज़ के लिए होता है ये यूज़ करती हूँ। तो इसके अंदर कोकोनट मिल्क और टर्मरिक है, और ये 0 ईयर से शुरू है, मतलब न्यू बोर्न बेबी भी इसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो टॉक्सिन फ्री होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं। तो और सबसे अच्छी बात ये है कि ये इंडियन ब्रांड है, तो मुझे एक ब्रांड काफ़ी अच्छा है, मैं बहुत टाइम से परी के लिए ये वाला ही यूज़ कर रही हूँ, और बहुत अच्छे से जो है क्लीन करता है। एंड इसके साथ साथ ये है ना जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगा मामा अर्थ पे, अमेज़ोन पे, नायका पे, फ्लिपकार्ट पे, पर्पल पे, हर जगह ये आपको मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर है मामा अर्थ की वेबसाइट पे, तो आप इस पर 20% एक्स्ट्रा जो है आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ साथ मामा अर्थ की ऐप अवेलेबल है जहाँ पर आप मेरा कूपन कोड है उसको अवेल कर सकते हैं, और अर्ली एक्सेस करके सेल्स और डिस्काउंट का जो है बेनिफिट वहाँ पे आप ले सकते हैं। प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और उसको नहलाने से पहले मैंने इसको ओट्स का फेस पैक लगाया था, और ये फेस पैक है ना बहुत ही अच्छा है, पानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसको लेकिन मैं ना कई बार ऐसे लगा देती हूँ। तो सिर्फ ओट्स था, ओट्स के अंदर दही थी, थोड़े से उसके अंदर जो है टमाटो जूस था, बस ये बार दो चीज़ें इसके अंदर मैंने मिक्स की थी। और ये इतना अमेजिंग फेस पैक है ना, इसको लगा के देखिएगा, ओट्स को थोड़ा सा पीस के, हल्का दरदरा सा पीस के, उसके अंदर दही और बस टमाटर का जूस मिला करके लगा लो और फिर इसको छोड़ दो, तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट था। मतलब आप खुद लगा के देखिएगा, पता चलेगा आपको कितनी ग्लोइंग स्किन हो जाती है। तो एक ही मेरे क्या बोलूँ मैं इसको, इसके अंदर मैंने एक्चुअली सिलेंडर रखा हुआ था, तो इसको मैंने स्नैक्स रखने के लिए, जो बच्चों के स्नैक्स है ना वो इसके अंदर मैंने रख दिए, क्योंकि अब गैस का कनेक्शन आ चुका है ना, तो मैंने वो सिलेंडर की जगह खाली हो गई। और इसमें अभी हमें ड्रॉर वगैरह लगवाने नहीं है, तो मैं सोचा इसको किस तरह से यूज़ करूँ, तो मैंने कुछ ऐसा रखा था, बट ये ना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, चीज़ें बहुत दिक्कत होती है इधर उधर से उठाने में, पीछे से उठाने में। तो मैं सोचा चलो इसको एक बार दोबारा से ना रीअरेंज करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी स्नैक्स का अलग से रहे और इसमें है ना चीज़ें ऐसे जो पीछे रखे ना वो भी सामने दिखाई दे, बट इसको पॉसिबल ही नहीं था इसको मतलब इस तरह से रखना, बट मेरे पास टाइम नहीं था, तो जैसे भी था मैंने अरेंज करके रख दिया था। तो काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में था कि मुझे इसको चेंज करना है। तो इसमें पहले क्या था कि पीछे ना सिलेंडर रखा हुआ था, तो ये जो पेपर मैंने ना सिर्फ आगे आगे लगा दिया था, पीछे नहीं लगाया था। अब सिलेंडर निकल गया है तो देखती हूँ दिवाली पे जब टाइम मिलेगा तो इसको हटा करके पूरे पे ही पेपर लगाऊंगी, बट अभी तो मैं सिर्फ इसको जो साफ़ करके और दोबारा से इसको मैं है जो है अरेंज कर रही हूँ। और ये जो पेपर आप देख रहे हैं ना सिल्वर वाला, ये मैंने अमेज़ोन से लिया था और बहुत ही अच्छा पेपर है ये, इसको मतलब आप, मैंने ना कई जगह इसको यूज़ किया हुआ, जैसे अपने सिंक है जो मेरा उसके नीचे वाले एरिया पे भी मैंने किया हुआ इसको यूज़, एक दूसरी कवर है उसमें भी यूज़ किया हुआ है। तो जो अगर आपका जैसे जो फर्श अगर वो गंदा हो गया है वो साफ़ नहीं हो सकता, तो आप ये जो पेपर है ना ये स्टिक हो जाता है, इसको लगाइएगा तो बहुत अच्छा रहता है, मैं दिखाऊंगी किसी दूसरी वीडियो में। तो बस अब मैंने क्या किया है कि इसको इसकी जगह पे ना मैंने ये वाला जो रैक है अपना ये लगा दिया, और मैं इसको लगा के देख रही हूँ किस तरह से ठीक लगेगा ये। तो पीछे की तरफ मैंने एक बास्केट रख दी है अमेज़ोन की ही कार्डबोर्ड की, और इसके साइड में ये वाला इस तरह से रैक लगा दिया है। इसको एक्चुअली मैं यूज़ करती थी अपने आलू प्याज रखने के लिए फ्रिज के साइड में, और वो ये ना वहाँ पे परफेक्टली फिट था, बट मैंने आलू प्याज का सॉल्यूशन कुछ दूसरा कर दिया है क्योंकि यहाँ पे और कुछ बन ही नहीं रहा था रखने का, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। और अब मैं अपने सारे जो स्नैक्स हैं ना वो यहाँ पे रख दूँगी, और देखिएगा कि मतलब कितना डिफरेंस आ गया है थोड़े से चेंजेस करने से ही। तो थोड़ा सा ना माइंड को चलाते रहना पड़ता है कि किस तरह से करना है। तो यहाँ पे मेरे जो भी इवनिंग टाइम पे स्नैक्स है या बच्चों के बिस्किट वगैरह है जो भी है, मतलब एक स्नैक्स कवर्ड ही कह लो आप इसको, मैंने इसको इस तरह से रख दिया है। और पीछे जो मैंने बास्केट रखी ना कार्डबोर्ड की, उसके अंदर मैंने अपनी जैसे एक दो जैसे थाली वगैरह है जो यूज़ नहीं होती है, और जो बड़ी ट्रेज है वो रख दी है जो कि कभी कभार यूज होती है जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तब, तो उनको मैंने पीछे की तरफ रख दिया है। और इस तरह से रखने से ना मैं उनको अभी जो एक्सेस है ना वो बिल्कुल ईजी हो गया है मेरे लिए पीछे से चीज़ें निकालने का भी। और यहाँ पे जो पहले है साइड में भी मैंने कई चीज़ें रख के देखी कि कौन सी चीज़ें रखूँ जो सही रहेगी, बट कुछ हिसाब किताब है ना बन नहीं पाया। फिर एट लास्ट मैंने ना ये बास्केट यहाँ पे रख दी, और इसके अंदर मैंने जो है बोटल्स रख दी हैं, स्पेशली जो बच्चे ही यूज़ करते हैं, जैसे अपने ग्लूकोन डी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, पर ये जो घर पे वाटर बोटल है वो यूज़ करती हैं,
तो ये बास्केट मैंने यहाँ पे रख दिया, क्योंकि जैसे यहीं पे मैंने जो ग्लूकोन डी का बॉक्स है वो रखा है, या दूध बना के देना है मुझे तो भी इन शेकर में ही मैं दूध बना के देती हूँ। तो इस तरह से ना थोड़ा सा चीज़ों को अरेंज करके देखना पड़ता है। और ये बहुत सारे मेरे पास जो है स्ट्रॉ इकट्ठे हुए थे, और घर में सिर्फ स्ट्रॉ जो है ना सिर्फ परी ही यूज़ करती है और कोई यूज़ नहीं करता, तो जो ख़राब हो गए हैं मैं वो निकाल देती हूँ जो फेंकने वाले हैं। और ये भी एक आया था, ये किसी चीज़ के साथ में आया था, अपने पेन के साथ में, तो ये भी कभी आज तक यूज़ हुआ ही नहीं है, तो मैं इनको भी जो है निकाल दे रही हूँ। और इनको जो है जो बच गए हैं स्ट्रॉ, उनको मैंने किसी एक दूसरे छोटे से बॉक्स में रख दिया है। और कुछ इस तरह से अब मेरा जो ये अरेंज हो गया है मेरा स्नैक्स कबर्ड, और ये बहुत ही फंक्शनल और बहुत ही अच्छी हो गई है पहले से, और काफ़ी अच्छे से आप देख ही सकते हैं कि मतलब कितना डिफरेंस आया है इसमें। और जब तक मैंने काम किया तो परी की डिमांड आई थी आज की मैगी खानी है, तो मैंने मैगी बनने के लिए रख दी थी। और वंस इन अ वाइल ही हम जो है मैगी वगैरह खाते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि रेगुलर बेसिस पे रहता है, तो एक में से इस बाउल में से मैं और नीरव दोनों ले लेंगे और थोड़ी सी परी के लिए रख दी है, तो कभी कभार शाम के स्नैक्स में चल जाती है, हम महीने में एक आध बार। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, कमेंट कीजिएगा, बाय।